नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम कक्षा चौथी के पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 18 रामगढ़ की गुफाएं के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों जैसे हम जानते हैं कि हमारा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य है और इस छत्तीसगढ़ राज्य में 28 ज़िले हैं जिसमें से एक सरगुजा है। सरगुजा ज़िले का एक शहर अंबिकापुर है जिसके पास एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ में बहुत पुराने समय के कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं। बच्चों अंबिकापुर में एक छोटी सी प्यारी सी लड़की अमिता रहती थी। अमिता को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था और पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी उसे बहुत मज़ा आता था। वह गुड्डे गुड़ियों से, किचन के सामान से और कई तरह के खेल खेलती थी। उसके पास एक लकड़ी का घोड़ा भी था और उसे उस घोड़े में झूलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसके पापा ने बताया कि वे जब उसके जितने थे तब वे भी उसी घोड़े से खूब खेलते थे। तो ये जो घोड़ा है वो बहुत पुराना है। अमिता को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह घोड़ा कितना पुराना है और उसके पापा भी कभी इतने छोटे थे। तो अमिता ने अपने पापा से कई सारे सवाल किए, जैसे कि आप जब छोटे थे तो क्या पहनते थे, कहाँ पढ़ते थे, दोस्त कौन थे, कौन कौन से खेल खेलते थे और स्कूल कैसे जाते थे। बच्चों अमिता के पापा ने जो अमिता ने पूछा वो सारे सवालों का जवाब उसने दिया। फिर अमिता को पुरानी बातों को सुनने में मज़ा आने लगा। अब वह सोचने लगी कि पहले के लोग किस तरह से रहते होंगे, उनके घर कैसे होते होंगे और वे एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते होंगे। अमिता के पापा ने उसे यह भी बताया कि उनका जो ये घर है वह काफ़ी पुराना है और जो उसके पड़ोस का घर है वो नया है और इस घर को बने लगभग 10 साल हुए हैं, यानी जो पड़ोस का घर है उसको बने हुए लगभग 10 साल हुए हैं और इन दोनों घरों में काफ़ी अंतर है। जैसे पुराना घर मिट्टी का बना हुआ है और जबकि नया घर ईंट सीमेंट से बना है। दोनों घरों के दरवाजे और खिड़कियों में भी काफ़ी अंतर है। तो बच्चों ऐसे ही आपको अपने घर के आसपास एक क्रियाकलाप करना है कि एक नए घर और पुराने घर में अंतर निकालकर आपको ये जो सारणी दी गई है इसमें आपको लिखना है। जैसे कि पुराना घर और नया घर में क्या क्या अंतर है, तो किससे बना हुआ है, मिट्टी का या सीमेंट का है, इनके दरवाजे कैसे हैं, खिड़की कैसी है और फर्श कैसा है और उनकी छत कैसी है। तो ये आप क्रियाकलाप करके इस सारणी में आप भरेंगे। बच्चों आप एक और क्रियाकलाप करेंगे, जैसे आपने सुना कि अमिता को पुरानी बातों को सुनने में मज़ा आ रहा था, तो ऐसे ही आपके अंदर भी ऐसे कई सारे सवाल आ रहे होंगे, तो इससे संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे अपने घर में दादा दादी या आपके घर के आसपास उनकी उम्र के लोगों से आप पता करें कि वे जब छोटे थे तो उस समय का पहनावा कैसा था, खान पान कैसा था, फसलें क्या क्या होती थी और वे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, स्कूल था कि नहीं और फिर सड़कें कैसी थीं, ये भी आप पता करिए। एक दिन अमिता ने अपने पापा से कहा कि वह रामगढ़ के दर्शनीय स्थल देखना चाहती है। फिर क्या हुआ बच्चों, एक दिन उसके पापा ने उसे रामगढ़ की पहाड़ी पर लेके गए। अब जैसे ये चित्र में देख रहे हो, अमिता और उसके पापा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर अमिता को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वहाँ पर रामगढ़ की गुफाओं को नज़दीक से देखा और क्या क्या देखा तो चलिए हम भी इसके बारे में जानते हैं, यानी रामगढ़ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अमिता और उसके पापा ने एक सुरंग देखी, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो, और जिसमें ये जो सुरंग है पानी का कुंड है
और इस सुरंग को हाथी पोल कहते हैं और कुंड को सीता कुंड कहते हैं। बच्चों ये सुरंग का आकार इतना बड़ा है कि इसमें से एक हाथी निकल सकता है और शायद इसीलिए इसका नाम हाथी पोल पड़ा। फिर अमिता के पापा ने बताया कि दूसरा दर्शनीय स्थल जो है वो सीता बेंगरा है, जैसे आप ये देख रहे हो। और ये सीता बेंगरा क्या है, एक नाट्यशाला है और यहाँ पर पुराने समय में नाटक और नृत्य किए जाते थे। और ये कैसे बनाई गई थी, तो एक बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई है ये। और देखते हैं हम लोग कि रामगढ़ में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल थे। तो जैसे नाट्यशाला के बाद अमिता के पापा ने उसे जोगी मारा की गुफा के बारे में बताया, आप भी जैसे ये देख रहे हैं। इस गुफा की चट्टानों पर चित्र बने हुए हैं, तो बच्चों आप इस चित्र को ध्यान से देखें और आपको कौन कौन से चित्र इसमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करें क्या क्या देख रहे हैं आप। बच्चों एक और ब्राह्मी लिपि के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर एक बड़े पत्थर पर कुछ उकेरा गया है, जैसे आप ये देख रहे हो। और ये जो है एक तरह के लिखने की शैली है। इस शैली का उपयोग जो है पुराने ज़माने में वे लोग अपनी बात बताने या सूचना देने के लिए करते थे। बच्चों तो जैसे हमने अभी ब्राह्मी लिपि के बारे में जाना कि उसके जरिए जो है सूचनाएं दी जाती थी, तो ऐसे ही सूचनाएं जो हैं आपके स्कूलों में भी लिखी रहती होंगी। तो कुछ सूचनाओं को आप अपनी कॉपी में लिखें। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने ज़माने में सूचना पहुँचाने के लिए कबूतरों का उपयोग करते थे। बच्चों आपको ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो आपको एक रुपए का नोट यानी जो कागज का है वो दिखाई दे रहा है और कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सिक्कों और नोटों से भी कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं? तो कुछ नए और पुराने आप सिक्के व नोट, एक रुपए का नोट हो सकता है आपको ना मिले, कोई बात नहीं, आप सिक्कों के जरिए ही आप उनमें से क्या क्या जानकारियां आपको दिखाई दे रही हैं आप उसको लिखेंगे। बच्चों और एक काम और करेंगे आप लोग, एक ही कीमत के जैसे दो नए और पुराने सिक्के, यानी कीमत एक ही होनी चाहिए, एक नया और एक पुराना, हो सकता है उसमें देखेंगे आप उसमें सन भी लिखा रहता है यानी ये किस सन में बना है, तो हो सकता है 5 साल पुराना 10 साल पुराना। तो इस तरीके से नए और पुराने सिक्के की आपस में आपको तुलना करनी है और देखना है कि उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, अमिता के साथ आप सभी ने जाना कि अंबिकापुर के पास रामगढ़ की गुफाएं हैं और फिर वहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हाथी पोल है, सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा और ब्राह्मी लिपि के बारे में भी आपने जाना। तो चलिए बच्चों अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि का उपयोग खालिस्तान देने के लिए किया जाता था, तो आपको पता होगा है ना इसका उत्तर क्या है, सूचना, ठीक है। और दूसरा क्या है, सुरंग का नाम खालिस्तान है, ये भी आपको पता होगा, तो इसका उत्तर क्या है, हाथी पोल। और तीसरा क्या है, खालिस्तान नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, सीता बेंगरा नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा क्या है, अंबिकापुर खालिस्तान जिले में स्थित है, ये भी आपको पता होगा है ना, तो इसका उत्तर क्या है, सरगुजा। तो अंबिकापुर जो है सरगुजा जिले में स्थित है। अब आपको गृह कार्य भी करना है और वो क्या है कि तुम्हारे यहाँ कोई पुराने ज़माने की इमारत आदि हो, जैसे हमने रामगढ़ की गुफाएं के बारे में जाना, तो आपके गांव या आसपास जहां रहते हो तो यदि ऐसी कोई पुरानी इमारत होगी तो उसके पास आपको जाकर देखना है और ये जो कुछ सवाल दिए गए हैं इनके जवाब आपको लिखने हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है यानी उस इमारत का नाम क्या है और यह नाम क्यों पड़ा होगा।
और फिर तीसरा प्रश्न है, इसमें किस तरह की सामग्री लगी है। चौथा, यह भी पता करो कि यह कितने साल पुरानी होगी। और बच्चों ये भी आप पता करो कि इसके बारे में लोगों का क्या कहना है। धन्यवाद।